Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So welcome back in our channel. Myself, Abhishek Kumar, and you are the mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the cell, the unit of life. It means how to life form through cell, because we each know cell is the basic unit of life. So in this particular chapter, we detail discuss about cell. So I hope you all enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friend. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the super box and about section on my channel. So please go through about section on my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate with me. So watch the video and keep support. Welcome back to another new video. So today's topic is cell wall. So आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे. सेल वॉल क्या होती है? सेल का मतलब होता है कोशिका, वॉल का मतलब होता है भित्ति, है ना. वॉल का मतलब होगा भित्ति, यानी कोशिका भित्ति के बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वी रीड व्हाट इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आफ्टर दैट elaborate each and everything, but simple and easy word. So let's begin without wasting any time. So I hope you really appreciate with me. So let's begin. As you may recall, जैसे हम जानते हैं, ठीक है, ए नॉन रिजिड जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है और रिजिड होती है ना. सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल का काम होता है प्रोटेक्शन कराना, तो वो क्या होगी? नॉन लिविंग होगी, है ना. और वो कैसी होगी? रिजिड होगी, यानी कड़ी होगी. ये क्या है? नॉन लिविंग और रिजिड का मतलब होता है वो कड़ी होना, यानी कठोर होना. कठोर होगी वो, ठीक है, टफ होगी, ठीक है. नॉन लिविंग होगी और रिजिड होगी. एज में रिकॉल ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल फॉर्म एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट, है ना. जो सेल वॉल होती है वो आउटर कवरिंग बनाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो बाहर पाई जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाएगी वो क्या होगी? हमारी सेल वॉल होगी, जो कि नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है. किसकी? किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लांट की भी और फंजाई में भी ये सेल वॉल बनाती है, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर. आगे क्या है? सेल वॉल नॉट गिव ओनली शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्टेड द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन. इट ऑल्सो हेल्प टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर ऑफ अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सेल होती है वो बाहर, यानी हमारी सेल को प्रोटेक्ट करेगी, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होगी, है ना. जो प्लांट और फंजाई में पाई जाएंगी, उसकी प्लांट की फंजाई की जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है, जिसको हम फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं. प्लांट की सेल वॉल जो बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन की बनी होती है, है ना. एल्गी की बनी होती है, एल्गी की सेल वॉल जो होती है गैलेक्टर मैनन्स, है ना, इनकी बनी होती है. तो हम आगे देखते हैं, है ना. तो ये हमारा सेल वॉल जो होती है, इसका सिर्फ फंक्शन यही नहीं है कि वो सेल को सिर्फ सेफ प्रोवाइड कराए, है ना. सेल को वो सिर्फ सेफ नहीं प्रोवाइड कराती, वो उसको सेल को प्रोटेक्ट भी करती है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज. मैकेनिकल डैमेज को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल वॉल जो होगी सेल को सेफ प्रोवाइड कराएगी और उसको प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज को क्या बोलते हैं? फिजिकल. मैकेनिकल को क्या बोलते हैं? फिजिकल, यानी कोई बाहरी चीज़ से उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उसमें कोई बाहरी चीज़ से कोई डैमेज ना आए, उससे वो प्रोटेक्ट कराएगी. मैकेनिकल का मतलब होता है फिजिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, और उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो उससे भी वो प्रोटेक्ट कराएगी. तो यानी सेल वॉल के कितने फंक्शन हो गए? सेल वॉल के फंक्शन क्या हो गए? सेप को देती है वो, सेप देती है, प्रोटेक्शन कराती है और इन्फेक्शन से बचाती है. और ये क्या करती है? सेल टू सेल इंटरेक्शन कराती है. इसमें प्लाज्मोडेस्माटा बनाएगी, यही आगे चल के, ठीक है. आगे देखते हैं क्या लिखा गया है. यानी अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल को ये आने से बचाती है, उसके लिए बैरियर कॉज करती है, ठीक है. एल्गी की जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है? एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, एल्गी की सेल वॉल जो बनी होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है, है ना. सेलुलोज की बनी हुई होती है, गैलेक्टन्स की बनी हुई होती है, मैनन्स की बनी हुई होती है. यानी सेलुलोज हो गया, गैलेक्टन्स हो गया, मैनन्स हो गया, और क्या हो गया? मिनरल्स में क्या आते हैं? कौन से मिनरल्स आएंगे? मिनरल्स में आएगा कैल्शियम कार्बोनेट, है ना. कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? CaCO3 जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, याद रखेंगे, ठीक है. वाइल इसके अलावा जो इन अदर प्लांट इट कंसिस्ट ऑफ, जो प्लांट की भी सेल वॉल होगी अदर प्लांट में, तो उसमें क्या है? उसकी भी सेल वॉल बनी होगी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और इसकी पेक्टिन की, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन की,
सेल वॉल बनी होती है प्लांट की, किसकी किसकी बनी होगी, सेलुलोज हेमी सेलुलोज, सेलुलोज हेमी सेलुलोज पेक्टिन की सेल वॉल बनी हुई होगी, है ना, ये प्लांट में, ठीक है। एंड प्रोटीन्स, और उसमें कुछ प्रोटीन के भी मॉलिक्यूल होंगे प्लांट के केस में, यानी क्या क्या होगा, सेलुलोज होगा, हेमी सेलुलोज होगा, पेक्टिन होगा, ये याद रखेंगे। और उसमें एल्गी के केस में क्या था, एल्गी की सेल वॉल बनी हुई थी गैलेक्टन की, माइनस की, है ना, और मिनरल से कैल्शियम कार्बोनेट बना था, कैल्शियम कार्बोनेट की सेल वॉल बनी हुई थी, ठीक है। और इसमें क्या है, प्लांट में सेलुलोज हेमी सेलुलोज पेक्टिन है प्रोटीन की, है ना। द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल, है ना, यंग प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, वो प्राइमरी वॉल होती है ना। जो यंग प्लांट की सेल वॉल होगी, जो प्लांट जवान होगा तो यंग होगा, तो उसमें जो सेल वॉल होगी वो प्राइमरी वॉल होगी। प्राइमरी वॉल होती है उसमें क्या होता है, डिवीजन की कैपेसिटी होती है, वो डिवाइड करेगी, है ना। द सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल टू ग्रोथ, यानी प्राइमरी वॉल जो होगी वो उसमें कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, क्या होती है, क्षमता होती है कि वो ग्रोथ करे अपना, है ना, ग्रोथ करे और डिवीजन करे, ग्रोथ करे और क्या करें, डिवीजन करे, और धीरे धीरे क्या करेगी वो, वो ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे, ठीक है, इसका मतलब होता है, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, डिमनिश हो जाएगी, डिमनिश हो जाएगी, यानी प्राइमरी डिमनिश का मतलब होता है ख़त्म होना, क्या होता है, ख़त्म होना, धीरे धीरे प्राइमरी जो वाल है वो डिमनिश हो जाएगी और मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, और उसकी सेल जो होंगी वो मैच्योर हो जाएंगी और क्या बना लेंगी, सेकेंडरी, सेकेंडरी वॉल बना लेंगी, है ना। प्राइमरी वॉल में कैपेसिटी थी ग्रोथ की, है ना, वो धीरे धीरे क्या हुई, डिमनिश हो गई, यानी उसकी ग्रोथ की कैपेसिटी धीरे धीरे खत्म हो गई, और वो सेल, उसकी प्राइमरी वॉल की सेल जो होंगी वो मैच्योर होंगी और क्या बना लिया, सेकेंडरी वॉल बना लिया, सेकेंडरी वॉल बना लिया, है ना। फॉर्म ऑन द इनर टूवर्ड्स मेम्ब्रेन, है ना, जो सेकेंडरी वॉल बनेगी वो इनर साइड बनेगी टूवर्ड्स मेम्ब्रेन की तरफ, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ इनर सेल वॉल बनेगी, जब सेकेंडरी वॉल होगी वो बनेगी, इनर साइड बनेगी, किस तरफ बनेगी, टूवर्ड्स मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है, इनसाइड द सेल, यानी जो प्राइमरी सेल वॉल थी वो धीरे धीरे डिमनिश हो गई, उसमें ग्रोथ की कैपेसिटी खत्म होगी, वो सेकेंडरी वॉल में कन्वर्ट होगी, उसकी सेल मैच्योर होगी, और वो फिर सेकेंडरी वॉल जो बनी, है ना, तो सेकेंडरी वॉल बनी इनर साइड बनी, किसकी, इनर साइड का मतलब यहाँ पे टूवर्ड्स मेम्ब्रेन की तरफ, जिस तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी तरफ बनी साइड ऑफ सेल, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बनी। इसमें क्या हुआ, ये प्राइमरी पहले सेल वॉल बनी, फिर वो सेकेंडरी बनी, तो इसमें एक सीक्वेंस आता है आउटर टू इनर, हमसे पूछते हैं आउटर टू इनर सीक्वेंस बताओ, आउटर टू इनर सीक्वेंस क्या बताएंगे हम, पहले मिडिल लैमला बनेगी, उसके बाद क्या बनेगी, ये आउटर टू इनर सीक्वेंस है, मिडिल लैमला बनेगी, फिर प्राइमरी सेल वॉल बनेगी, फिर सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, फिर टर्शियरी सेल वॉल बनेगी, है ना, जो यानी मिडिल लैमला जो होगी वो आउटर होगी, सबसे बाहर की तरफ होगी, उसके बाद क्या होगी, प्राइमरी वॉल होगी, उसके बाद सेकेंडरी होगी, उसके बाद टर्शियरी होगी, ये आउटर टू इनर का सीक्वेंस है। आगे देखते हैं हम, द मिडिल लैमला, जो मिडिल लैमला होती है जो बाहर की तरफ बनती है ना, सबसे बाहर की तरफ बनेगी, तो क्या बनेगी, वो मिडिल लैमला बनेगी, लेयर मेनली किसकी बनी होती है, मेनली अगर अगर यहाँ पे हमसे दिया गया है, मेनली बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट की, कैल्शियम पैक्टेट की दी गई, अगर क्वेश्चन में दिया है मिडिल लैमला फॉर्म बाई कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट, बोथ, और एक ऑप्शन में कोई और दिया है, तो अगर बोथ ऑप्शन है तो हम बोथ मारेंगे, है ना, बोथ ऑप्शन है तो हम कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट दोनों को मारेंगे, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पैक्टेट है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट है, तो अगर बोथ में तो दोनों हम सही कर सकते हैं, बट अगर मेनली पूछा गया है तो मेनली कैल्शियम पैक्टेट की ही बनी होती है मिडिल लैमला, ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है, फेवरेट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ठीक है, याद रखना, कैल्शियम मिडिल लैमला बनी होती है, अगर मेनली पूछा जाए तो हम कैल्शियम पैक्टेट बोलेंगे, अगर हमसे ऑप्शन में कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट दोनों दिया गया है तो हम क्या बोलेंगे, दोनों से मिलकर बनी हुई होती है, है ना। आगे देखते हैं, जो मिडिल लैमला का काम क्या होता है, विच होल्ड और ग्लूज, यानी ये पकड़े रहती है या चिपकाए रहती है डिफरेंट नेवर्जिंग सेल टुगेदर, अगल बगल वाली पड़ोसी सेल को, यानी अगल बगल वाली सेल को ये पकड़ के होल्ड रखती है, इसको चिपकाए रहती है, है ना, सेल टुगेदर, साथ साथ सेलों को चिपकाए रहेगी, और क्या करेगी, द सेल वॉल एंड मिडिल लैमला, जो सेल वॉल होती है और मिडिल लैमला में भी ट्रांसवर्ट बाई प्लाज्मोडेसमेटा, जो यानी सेल वॉल होगी, क्या होगी, सेल वॉल होगी और मिडिल लैमला होगी जो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है मेनली, अगर मैग्नीशियम है तो उसकी भी बनी होगी, है ना, ये दोनों क्या करती हैं, ट्रांसफर्ट हो जाती हैं, यानी स्थानांतरित हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, इसका मतलब होता है स्थानांतरित होना,
स्थानांतरित होना, स्थानांतरित होना यानी अपनी पोजीशन चेंज कर देना, और वो क्या बना लेती हैं भाई, प्लाज्मोडेस्माटा, यानी वो प्लाज्मोडेस्माटा बना लेंगी। प्लाज्मोडेस्माटा एक माइक्रो चैनल होते हैं, चैनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, पिथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये दो सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होता है, दो सेल के साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को जोड़ेंगे, ठीक है, अगल बगल वाली सेल को, ठीक है। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमला ट्रांसफर्ड बाई द प्लाज्मोडेस्माटा, सेल वॉल मिडिल लैमला होती है वो प्लाज्मोडेस्माटा में कन्वर्ट हो जाती हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बनाती हैं, विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। जो प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करेगा दो नेबरिंग सेल वाली यानी पड़ोस वाली सेल को, पड़ोस वाली सेल की साइटोप्लाज्म को ये लोग प्लाज्मोडेस्माटा क्या करेगा, कनेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। ये सेल वॉल का जो था छोटा सा टॉपिक था, आर्टिकल था, एनसीईआरटी में दिया गया था, हम लोगों ने अच्छे से देख लिया, समझ लिया इसके बारे में। अब आगे वाले आने वाले वीडियो पे हम इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सो इफ लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो विद फ्रेंड। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक लिए अलविदा।